तो आइए दोस्तों, स्वागत है रेडर मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी सेशन 2018-21 के पार्ट 1 एग्ज़ाम डेट के बारे में कि 2020 पार्ट 1 एग्ज़ाम आप लोगों का कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हम इस चैनल पे हमेशा इसी प्रकार मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जेन्यून इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोग मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले और सही तरीके से रियल इन्फॉर्मेशन पा सके। तो देखिए, चलिए बात करते हैं आप लोगों के पार्ट 1 एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो है पार्ट 1 की सब कुछ हो गया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप हो गया है, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी नोटिस अभी तक मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर नहीं आया। आप बाकी पुष्टि जाके ऑफिशियल साइट पर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए दोस्तों, बता दें कि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने में 15 से 20 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन चलता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है आज तक ना आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आया है और ना ही एडमिट का आया है, कार्ड आया है। और बता दें कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, मिनिमम 10 दिन पहले जो है आप लोगों का टाइम टेबल आ जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर अभी तक ना टाइम टेबल आया है और ना एडमिट कार्ड आया है, तो मतलब कि आप लोग जनवरी में तो एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो अब चलिए बात करते हैं फरवरी का। तो फरवरी में देखिए, आप सोचते हैं कि जैसे 3 फरवरी से जो है 12th का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो जब 12th का एग्ज़ाम 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा तो सारे सेंटर बुक हो जाएंगे, मतलब कि आप लोगों के एग्ज़ाम के सेंटर नहीं खाली रहेगा। और ये एग्ज़ाम चलेगा इन लोगों का 13 फरवरी तक। और उसके बाद जब आप देखते हैं तो फिर 17 फरवरी से 10th का एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है, 17 फरवरी से। और उन लोगों का एग्ज़ाम चलेगा 10th वालों का 24 फरवरी तक, ऑप्टिकल ऐच्छिक विषय को लेकर। तो इस पर देखा जाए तो फरवरी में भी आप लोगों की एग्ज़ाम होने की लगभग कोई चांसेस नहीं है, मतलब कि फरवरी के 3rd वीक तक कहिए तो 24 तारीख तक आप लोगों का एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने जा रहा है। तो अब चलिए बात करें कि अब कब होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, आप लोगों की एग्ज़ाम अगर होती भी है तो संभवतः तो आप लोगों की एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना है। जैसे कि मैट्रिक का जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तब आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब कि देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के 1st वीक में हो सकता है, फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के 1st वीक में। ये बातें सुनने में कुछ लोगों को अजीब सी लग रही होगी कि इतना लंबा टाइम हो जा रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों, यही हकीकत है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 24 फरवरी से पहले किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। आप लोगों का एग्ज़ाम अगर शुरू भी होता है तो 24 फरवरी के बाद, मतलब कि फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के 1st वीक में होगा, निश्चित रूप से उसी समय होगा। तो मैं मानता हूँ कि सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि ऐसे ही आगे भी आप इसी प्रकार के वीडियो पा सकें।